हाय फ्रेंड्स, मैं रेशू ड्रोलिया और आपका मेंस रेसिपीज चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ब्रेकफास्ट रेसिपी जिसका नाम है वेज मेयोनीज सैंडविच। इसे बनाना बहुत ही इजी है और इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, जिसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में आसानी से दे सकते हैं। मैंने और भी सैंडविच रेसिपीज बनाई है जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। और मेरे वीडियो को यूं ही लाइक करते रहिए और रेसिपीज को शेयर कीजिए। वेज मेयोनीज सैंडविच बनाने के लिए हमने लिया है 6 स्लाइसेस वाइट ब्रेड के, 2 से 3 टेबलस्पून मेयोनीज, 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज, 1/3 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1/4 कप कसा हुआ गाजर, 1/3 कप कसी हुई पत्ता गोभी, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, धनिया की चटनी, ऑरेगानो, रेड चिली फ्लेक्स और बटर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वेज मेयोनीज सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सब्जियों को मेयोनीज के संग मिक्स कर लेते हैं। तो हमने लिया है एक बाउल और इसमें हम डालते हैं सबसे पहले कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल दीजिए और गाजर भी डाल देते हैं जिसे हमने ग्रेट कर लिया है, और कसे हुए पत्ता गोभी भी डाल दीजिए। और अब इसमें हम डालते हैं मेयोनीज। मेयोनीज की मात्रा को भी आप अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, जैसा खाना आप पसंद करते हैं। मेयोनीज डालने के बाद अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और काली मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए। और अब हम सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सब्जियां आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा खाना पसंद करते हैं वैसा चूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें खीरा, टमाटर, रेड येलो कैप्सिकम और जो भी सब्जी आप पसंद करते हैं डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए हमारा मेयोनीज का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए हम ले लेते हैं ब्रेड। हमने यहाँ पे वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड या मल्टी ग्रेन ब्रेड, कोई भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम एक स्लाइस ब्रेड का लेते हैं और अब हम इसके ऊपर हरी चटनी डालकर इसे अच्छी तरीके से ब्रेड के ऊपर फैला देंगे। आप किसी भी तरीके की हरी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि हरी चटनी कैसे बनाएं इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हरी चटनी को ब्रेड के ऊपर फैलाने के बाद अब हमने जो मेयोनीज का मिक्सचर बनाया था इसे भी हम फैला देते हैं। हम मिक्सचर का बहुत पतला लेयर नहीं फैलाएंगे, ये थोड़ा थिक रहे तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। मेयोनीज वेज मिक्सचर को फैलाने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़े से ऑरेगानो डाल देते हैं। यदि आपके पास ऑरेगानो नहीं है तो आप ना डालें। और हम इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाते हैं तो इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स डालते हैं। और अब हम मेयोनीज के मिक्सचर को दूसरे ब्रेड स्लाइस से कवर कर देंगे और इसे हम हाथों से अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे जिससे कि ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। वेज मेयोनीज सैंडविच तो हमारा तैयार है, अब इसे हमें सेकना है। तो सेकने से पहले हम ब्रेड के ऊपर चारों तरफ से बटर लगा देते हैं। ऊपर वाली स्लाइस के ऊपर बटर लगाने के बाद हम पलट कर नीचे वाली स्लाइस के ऊपर भी बटर लगा देते हैं। तो हमारा एक वेज मेयोनीज सैंडविच सेकने के लिए बिल्कुल तैयार है। और सेम ही तरीके से हम दूसरा सैंडविच भी तैयार कर लेते हैं। और इस समय हम सैंडविच को स्पाइसी नहीं बनाएंगे, तो हम सिर्फ ऑरेगानो का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हमारे सैंडविचेस तो तैयार हो गए हैं, अब चलिए इसे हम सेकते हैं। तो सेकने के लिए हमने लिया है पैन और इसे हमने मीडियम फ्लेम पर रखकर गरम कर लिया है। पैन हमारा अच्छी तरीके से गरम हो गया है, अब इसमें हम रखते हैं एक वेज मेयोनीज सैंडविच और इसे हम स्पैचुला से अच्छी तरीके से दबाते हुए नीचे की तरफ से सेक लेंगे। लगभग 1.5 से 2 मिनट में हमारा सैंडविच नीचे की तरफ से सिक जाता है। तो इसे अब हम पलट देते हैं और इसे हम दूसरी तरफ से भी सेम वही तरीके से स्पैचुला से दबाते हुए सेक लेंगे। तो इस तरीके से सैंडविचेस को हम दोनों तरफ से उलट पलट कर स्पैचुला से दबाते हुए मीडियम फ्लेम पर रख कर जब तक कि गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए इसे हम सेक लेंगे। हम यहाँ पर मेयोनीज सैंडविच को पैन में सेक रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे सैंडविच मेकर या इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा सैंडविच बिल्कुल तैयार हो गया है। ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है और काफ़ी क्रिस्प बना है। तो चलिए इसे अब हम पैन से निकाल लेते हैं और सेम यही तरीके से हम दूसरा वेज मेयोनीज सैंडविच को भी सेक लेते हैं।
ये देखिए हमारे दोनों ही वेज मेयोनीज सैंडविचेस बिल्कुल सिक गए हैं और काफ़ी क्रिस्प बना है। अब चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो हम लेते हैं एक वेज मेयोनीज सैंडविच और इसे हम डायगोनली चाकू से कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा वेज मेयोनीज सैंडविच बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म किसी भी हरी चटनी या टोमेटो केचप के संग सर्व कर सकते हैं। Hope you like this recipe. अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसे आप जरूर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी नई रेसिपीज देखने के लिए आप हर ट्यूजडे और सैटरडे मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं।